बुरहानपुर जिले के आयुर्वेदिक और यूनानी 250 से अधिक डॉक्टर ने 25 साल में 15 बार सरकार से एलोपैथिक दवाइयाँ लिखने की अनुमति मिले इसकी गुहार लगाई है, लेकिन आज तक भी इन्हें अनुमति नहीं मिली है। आयुर्वेदिक और यूनानी डॉक्टरों की ओर से 25 साल में 15 बार शासन को ज्ञापन दिया गया है, लेकिन आज तक भी इनको अनुमति नहीं मिली है। डॉक्टर गिरीश के श्रॉफ ने बताया कि आयुर्वेदिक और यूनानी डॉक्टरों को एलोपैथिक दवाइयाँ लिखने की यदि अनुमति मिलती है तो मरीज का काम राशि में उपचार होगा और जो इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। यदि वह इन डॉक्टरों के पास पहुँचते हैं तो उनका प्राथमिक उपचार होगा, जिसके बाद वे आसानी से उपचार करा सकते हैं। प्राइवेट आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा का संचालन करने वाले संगठन के विनोद दुम्बानी ने जानकारी देते हुए बताया कि अन्य 8 राज्यों में जब गडट नोटिफिकेशन के माध्यम से 2014 से अनुमतियां मिलना शुरू हो गई है, उसमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र शामिल है। जिले के आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति से इलाज करने वाले जिले में 250 से अधिक डॉक्टर है। यह डॉक्टर पिछले 15 वर्षों से एलोपैथिक दवाइयाँ लिखने की अनुमति मांग रहे हैं ताकि मरीजों को किसी प्रकार का परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। कितने डॉक्टर हैं आपके? हमारे पूरे मध्य प्रदेश में 20,000 डॉक्टर है और बुरहानपुर शाहपुर ब्रांच में कम से कम 61 से 65 डॉक्टर है और बुरहानपुर लोकल ब्रांच में कम से कम 150 से 200 डॉक्टर है। और हम सभी डॉक्टरों की मांग यह है कि जो अन्य प्रांत है भारत के, कर्नाटक है, हरियाणा है, दिल्ली है, अपना उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, अन्य प्रांतों में जैसे एलोपैथी के अधिकार दिए गए हैं वहाँ के चिकित्सकों को, वैसे ही अधिकार मध्य प्रदेश के चिकित्सकों को दिए जाए, क्योंकि NIMA के जितने भी चिकित्सक हैं वो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में हेल्थ सर्विसेज देते हैं और वो भारत की हेल्थ सर्विसेज की बैकबोन है। तो इससे ग्रामीणों को ये एलोपैथिक सुविधा मिले, इलाज की सुविधा मिले, जिससे उनके ऊपर वित्तीय भार ज़्यादा ना आए और उनके घर आंगन में उनको ये सब चिकित्सा सुलभ हो जाए, जिससे हमें भी कार्य करने में सुविधा हो और ग्रामीणों को भी फायदा हो। अतः हम शासन से मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश शासन अन्य प्रांतों के गजट नोटिफिकेशन की कॉपी हमने कलेक्टर महोदया को दी है और पूरा डिटेल भी पूरा दिया हुआ है, उन सब चीज़ के ऊपर वो विचार करके मंथन करके हमें ये अनुमति प्रदान करें कि हम भी एलोपैथी की चिकित्सा कर सके। अब क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर गिरीश श्रॉफ, मैं पिछले 45 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र डोईपड़ा में है, अभी मैं बुरहानपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर क्या समस्या आपकी? हम लोग सभी नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन शाहपुर ब्रांच के डॉक्टर्स हैं। हम लोग आज मैडम से मिलने आए थे। हम लोगों ने जो 8 राज्यों में एलोपैथी ट्रीटमेंट की जो सुविधा दी गई है वो राज्य है कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उसी तर्ज पर हमको ट्रीटमेंट करने की सुविधा दी जाए। और जो हमारे साथी, जो हमारे बराबरी के एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं, सरकारी सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में या और कहीं भी जब काम करते हैं तो उनको ये सुविधाएं प्रदान है, जबकि हमारी और उनकी डिग्री एक समान है। तो हम लोगों को भी, प्राइवेट जो चिकित्सक हैं उन लोगों को भी इस तरीके की सुविधा दी जाए। आज हम मैडम से ये देखने के मिलने के लिए आए थे। हमने एक ज्ञापन के साथ साथ 8 राज्यों के जो ऑर्डर्स है उसका प्रारूप एक फोटो कॉपी उनको दी है, और यदि कुछ और रहेगा तो जिले में यदि बात करें तो आपके कितने डॉक्टर हैं आपके? हमारे जो हमारी एसोसिएशन है उसमें हम 70 के करीब डॉक्टर्स हैं और एक बुरहानपुर NIMA एसोसिएशन है, उसमें भी करीब करीब 100 से 125 के आसपास डॉक्टर हैं, पंजीकृत चिकित्सक है, जो मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा बोर्ड से संबंधित पंजीकृत है, वो डॉक्टर्स हैं हम सब। यदि आपको ये सुविधा मिल जाती है जी तो क्या फ़ायदे हुए, जो नहीं मिल रही थे क्या नुकसान है? फायदे हम लोगों को यदि ये सुविधा मिल जाती है तो बहुत सारे फायदे इसलिए हो जाएंगे, क्योंकि जो हम लोग रूरल एरिया में काम करते हैं, जहाँ पर गरीब जो पेशेंट होता है वो और आज के वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो एक अच्छे कंसल्टेंट की फीस और बड़े हॉस्पिटल्स का खर्चा दे सके, क्योंकि उसको यदि वो 2-3 दिन में आराम नहीं पड़ता तो वो तो बराबर जाता है 2-4 दिन में, 5 दिन में। लेकिन यदि उसको यदि लोकल पर ही, जैसे हम लोगों को अपने प्रैक्टिस की जगह पर ही उसको सुविधा मिल जाएगी तो उसका जाने आना और उसका पैसा भी की बचत होगी, और हम इमरजेंसी में हम लोगों को यदि वो इमरजेंसी तो सबसे पहले हमारे ही पास में आता है वो, तो इमरजेंसी में यदि हमारे को यदि थोड़ी सी मेडिसिन दवाई की इजाज़त मिल जाती है तो वो परेशानी उनकी ख़त्म हो जाएगी। आपका नाम? मैं डॉक्टर अरुण कपूर, मैं पिछले 45 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे साथ ये गिरीश श्रॉफ।